आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक महाजन है, ब्रिजेश सिंह है और राकेश बंसल हैं। एसएक्स निफ्टी अभी भी 17 पॉइंट्स से ट्रेड कर रहा है 8966 के लेवल्स पर। लेकिन फटाफट से जान लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या है, यानी न्यूज इन फोकस। अंचल हमारे साथ मौजूद है। अंचल, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेटल स्टॉक्स के लिए कैसे, या फिर कहें कि मेटल कंपनियां आगे कैसे, उनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, स्पेशली घरेलू फ्रंट पर, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो स्टील की डिमांड है शायद वो बढ़ती हुई दिखे। बिल्कुल दिवाली, आपने सही कहा। सरकार की अब योजना है, जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, स्पेशली जो सरकार की तरफ से अलॉट होंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, उसमें घरेलू स्टील का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है। इस पर फैसला अगले एक महीने में कैबिनेट लेता हुआ दिखेगा और ये डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, दो तरह से इसका फायदा होगा। करीब 5900 करोड़ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें घरेलू स्टील का यूज किया जाएगा। एक तो आपकी मांग बढ़ेगी, साथ ही साथ सेक्टर स्टील सेक्टर में एफडीआई की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब सरकारी खर्च बढ़ेगा सेक्टर की तरफ तो और कंपनी आना चाहेंगी, तो उसका फायदा भी होगा। जितनी भी कंपनियां हैं, टाटा स्टील, सेल, उत्तम गालवा स्टील, वीजा स्टील, भूषण स्टील, इन सबको तो फायदा होगा ही, लेकिन इसका स्लिप ओवर फायदा बैंकों को भी होगा, क्योंकि बैंकों के कुल एनपीए का ऑलमोस्ट 29% हिस्सा स्टील कंपनियों से आता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्टील कंपनियां नहीं चलेंगे, बैंक भी चलेंगे। SBI, ICICI बैंक जैसे शेयर कंपनियां जो है हैवीली डेट दिया हुआ है स्टील सेक्टर को, वहां पे भी मूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ना केवल स्टील को फायदा बल्कि स्टील कंपनीज को जिन्होंने कर्ज दिया वो भी एक फायदे का सौदा होगा, क्योंकि जो चलेगा वो सबको फायदा पहुंचाएगा। एक बार विवेक, आपके रिकमेंडेशन स्टील पैक में आपको पसंद कौन सा है, कौन सा शेयर, और दूसरा इससे कुछ जुड़ा हुआ कोई बैंक का बेनिफिट भी आपको दिखता है? First question, steel. This particular development and along with the anti-dumping duty which the government had proposed earlier, both becomes very positive for the steel sector per se. The prices of the stocks have already run up. So, यहाँ से अभी आपको बहुत बड़ा अल्फा नहीं मिलेगा. But nevertheless, Tata Steel and JSW Steel both look good in the frontline stock space. Other than that, there could be some other plays also which may not be pure steel. We have got a positive view on Infa and Sandur Magnes, जिनमें upside potential हो सकता है। जो banking क्षेत्र है, definitely as the stress on the balance sheet comes down, the banking sector as a whole will stand to benefit. So the rub off effect will be there in the banking space as well. ठीक है, पहला असर तो टाटा स्टील पर ही होगा, इस पर आप ध्यान रखें। कुछ एक छोटे शेयर्स भी बताए हैं विवेक ने, आप उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी खबर, क्योंकि बैंक से जुड़ी हुई आपने बात की अंचल, ये कोटक महिंद्रा बैंक पे न्यूज फ्लो क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आज अच्छा दिन हो सकता है। कैनेडियन पेंशन फंड कोटक महिंद्रा बैंक में 3% ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, और जो प्रमोटर ग्रुप है स्पेशली उदय कोटक, उनसे बातचीत जारी है। और कारण है, जो RBI के नियम है उसके अनुसार प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग बैंक में 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी मौजूदा प्रमोटर होल्डिंग 33.61% है और वो अतिरिक्त 3.6% हिस्सा बेचना होगा। और उम्मीद अभी ये लगाई जा रही है, जो कैनेडियन पेंशन फंड है वो करीब 5400 करोड़ में ये हिस्सा खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं आज कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। ठीक है, कोटक के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। राकेश, एक बार आप चार्ट भी देख लीजिए, कितना अच्छा दिन होने वाला है, यानी कि कहाँ तक पहुँचेगा? डिम्पी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है कोटक बैंक का। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों के टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। और इनफैक्ट हमने इस स्टॉक को काफ़ी निचले स्तरों पर रिकमेंड किया था बाइंग करने के लिए। और अगर किसी का थोड़ा सा लंबा नज़रिया हो तो 1000+ के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिम्पी ये है कि इस खबर के चलते देखना ये है कि ऊपर में, जैसे इंट्राडे एक दो दिन की बात करें तो 825 के लेवल जैसे ही टूटेंगे स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट होगा, और 825 के बाद इमीडिएटली 840-844 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, तो नजर रखें कोटक महिंद्रा बैंक पर आज के सेशन में। कल हालांकि मामूली वीकनेस के साथ ये बंद हुआ था, लेकिन MTNL ये स्टॉक भी अंचल आज फोकस में रहने वाला है। हालांकि एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, लेकिन आज रिटर्न्स क्रिएट कर सकता है शायद ये। बिल्कुल दिवाली कर सकता है, और कारण है सरकार की फिर से बातचीत शुरू हो गई है MTNL BSNL के मर्जर को लेके। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है DOT के अंदर, कहीं ना कहीं अब जल्द इसका एक रूपरेखा बनती हुई दिखेगी। सो मच सो पहले फेज के तहत बातचीत चल रही है कि MTNL के जो मोबाइल ऑपरेशन है स्पेशली नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के, ये ट्रांसफर किए जाएंगे BSNL को। लेकिन MTNL को इस मर्जर से सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसका जो कर्ज है 19,418 करोड़ का कर्ज जो MTNL का, वो भी इस मर्जर के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं MTNL के लिए भी आज एक बहुत तेज अच्छा दिन रहने वाला है,
शेयर में तेजी रह सकती है। ठीक है, शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक और खबर है जो कि अब रेगुलेशन से जुड़ी हुई है, सेबी शायद कुछ ब्रोकर्स की पड़ताल कर रहा है, जो कि डार्क फाइबर, जो कि जी ने सबसे पहले आपको बताया था कि एनएसईसी के कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसका आईपीओ भी आने वाला है। बिल्कुल डिम्पी, डार्क फाइबर मामले में आप एक कदम आगे बढ़ी है जांच। सेबी ऑफिशियल्स ने कई सारे ब्रोकर्स के दफ्तरों पे छापे मारे हैं, ट्रेडिंग डेटा लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, फोन ईमेल डेटा कलेक्ट रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जा रहा है, और सारा जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जो 2015 में जो विसल ब्लोअर्स ने रिपोर्ट किया था सेबी को, उसके बाद खुलकर सामने आया। इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ऑलरेडी दो ब्रोकर्स के जो डेटा है उनमें गड़बड़ियां मिली हैं सेबी को, एक तो ओपीजी सिक्योरिटीज और अल्फा ग्रेफ। और इंटरेस्टिंगली अल्फा ग्रेफ कंपनी जो ब्रोकरेज है वो सब्सिडरी कंपनी यानी ग्रुप सब्सिडरी कंपनी है कैफे डे एंटरप्राइजेस की, तो कॉफी डे ग्रुप की जो ग्रुप सब्सिडरी, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से रुख कड़ा हो रहा है सेबी का वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा गोइंग एट। ठीक है, शुक्रिया आपका अंचल ये बताने के लिए। लेकिन इस बीच तीन फार्मा कंपनीज पे आपको आज ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो आपको ध्यान रखना है ग्लेनमार्क पे, क्योंकि यहाँ पे इनके एक प्लांट को मंजूरी मिली है और नई ड्रग्स को भी मंजूरी मिली है, तो ग्लेनमार्क पे आपको ज़रूर ध्यान रखें, इस पर आपको नज़र रखनी होगी। सिप्ला को एक मंजूरी मिली है USFDA की, और एक जो ड्रग की मंजूरी है वो HIV और एड्स के ट्रीटमेंट के लिए होती है, तो सिप्ला पे भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप जो तीसरी फार्मा कंपनी है वो है कैडिला हेल्थ केयर, इसको भी USFDA की मंजूरी मिली है एक दवा की, जो ये दवा है ये मसल्स अगर आपकी थोड़ी सूज जाती हैं तो उसको ठीक करने की ये दवा है। तो कैडिला, ग्लेनमार्क और इन सब पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जी ब्रजेश, वेरी क्विकली कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगे इंट्राडे के लिए स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए दो ट्रेड अच्छे लग रहे हैं, एक अदानी पोर्ट लगभग 308 के आसपास में बंद हुआ है इंट्राडे के लिहाज से, 304 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 315। अगर किसी का व्यू 3 से 4 दिन का है तो आपको 322 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो एक L&T फाइनेंस है, कल के सत्र में हमने एक नया 52-week टॉप भी देखा, उसी के आसपास में बंद हुआ 19.50 रुपये के आसपास में, तो 17.50 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 122 के लिए। अगर किसी का भी 3 से 4 दिन का है तो 326 और 127 के भी लेवल आपको देखने को